कोरोना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाह पर न करें विश्वास। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस को रखें हमेशा अपने साथ। नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में 401 पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद व 551 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 2351 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में इस समय मरीजों के संक्रमित दर 30.36% व संक्रमित मरीजों के ठीक होने वालों की दर 80.07% है। वहीं जिले में मृत्यु दर का आंकड़ा भी 2.40% है। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक ओर कोरोना के 401 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर कोरोना से संक्रमित 551 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 19,620 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 16,807 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 2,351 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से निरंतर मास्क पहनने तथा बार बार अपने हाथों को अवश्य धोने की बात कही। इसी के साथ साथ उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमित मरीजों के घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी टेस्टिंग किट, यह कहना भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों की आरटीपीसीआर की टेस्टिंग रिपोर्ट तुरंत देने के स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से अपील करते हुए कहा कि संचार के माध्यम से 5G को संक्रमण का कारण बताना महज एक अफवाह है। शुक्रवार को बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए तथा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में देरी होने के चलते जिले के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ सपना गहलावत को आदेश जारी किए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जारी करें तथा मरीजों के घर घर जाकर उन्हें टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के मरीजों को आवश्यक वस्तुएं जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर, दवाइयां, खाने की वस्तुएं आदि समय रहते उनके घर पर ही उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाई जा रही जिसमें कोविड-19 का प्रसार 5G प्रशिक्षण के दौरान उत्सर्जित विकिरणों से बताया जा रहा है को पूरी तरह से निराधार बताया है तथा कोविड-19 तथा 5G के परीक्षण के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाह पर विश्वास ना करने की अपील भी की। ये साइंटिफिक नहीं है, इसमें हरियाणा सरकार के द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ये बिल्कुल अफवाह है और इसमें कोई ऐसा इसमें पाया गया कोई इन्वॉल्व ऐसा टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विसेज को डिस्टर्ब करते हुए पाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। टीपीसीआर मशीन्स का आज सीएमओ को मैंने निर्देश दिए हैं, सेम डे पे रिपोर्ट आनी चाहिए और टेस्टिंग बढ़ाई जाए, सैंपलिंग बढ़ाई जाए, तो इस चीज़ को मैंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं। अपनी सैंपलिंग बढ़ाएँ, टेस्टिंग बढ़ाएँ और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट सेम डे पर आ जानी। किट जो हैं कोरोना पॉजिटिव किट तैयार की जा रही हैं, सारे उसमें आइटम्स चाहे वो ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, सैनिटाइज है, सब तरह का आइटम्स उसमें है, नहीं जो स्टीमर है सब उसमें ऐड किए जा रहे हैं, सब प्रॉपर उसमें जो एक पूरा उसमें डिटेल चार्ट बना जा रहा है, फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है, तो इसमें से कोई आइटम कम पा जाता था इस फोन पर फोन लिखो उसको सील किया जा रहा है ताकि जो सिविल हॉस्पिटल से जो किट पीएचसी पर जाएगी, पीएचसी से पूरी उसकी डिटेल जो पेशेंट के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस उसके साथ वो डिटेल लिस्ट, फिर उसके बाद अपना पेशेंट को जाएगी और पेशेंट उसको चेक करेगा कि जो चार्ट है उसके अनुसार उसमें दवाई है कि नहीं है, तो कोई कमी है तो नंबर लिखा हुआ इस नंबर पर फ़ोन करें। तो इस तरीके से सारी किटें तैयार की गई हैं, जो लोकल परचेज के द्वारा जो आइटम शॉर्टेज थे उनको, जैसे ऑक्सीमीटर था, थर्मामीटर था या स्टीमर था, उनको लोकल परचेज कमेटी के माध्यम से खरीद लिया गया है। किसी आइटम की कोई कमी नहीं है, पूरे आइटम पेशेंट तक जाएंगे। जितने भी हमारे होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है जो शुरू में अभी पाया गया है पॉजिटिव उसके घर जाए, उसके बाद हर आदमी के जो हमारे जो 2600 के आसपास होम आइसोलेशन के पेशेंट हैं तो उनके सबके घर किट जा रही हैं और यह इसके लिए प्रॉपर नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, तो किसी को किसी तरह की कोई कमी किट की नहीं आने दी जाएगी। आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं जो स्क्रीनिंग करके जो
टेस्टिंग की, जो ट्रेसिंग की और उनकी ट्रीटमेंट के लिए फिर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ भी हॉटस्पॉट पाया जाता है। तो हर घर में स्क्रीनिंग की जा रही है, जो ज़िले के सभी जो हमारे पास टोटल जो गांव हैं ज़िले के, उन सब घरों में हम स्क्रीनिंग करेंगे। और इसमें आज के दिन हमने 41,659 हाउस होल्ड की हमने स्क्रीनिंग कर ली है, जिसमें 139,624 पर्सन्स की हमने स्क्रीनिंग कर ली है। और उनमें से जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया है, जो आना चाहता है। और उसमें प्रॉपर अपना कोविड किट दी गई हैं, और जो आइसोलेशन पेशेंट्स हैं और जो होम क्वारंटाइन हैं उनको हमने सबको आइसोलेशन किट दे रहे हैं, किसी को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स हैं ज़िले में, पहले ये 9 थे, इनको बढ़ाकर पिछले दो तीन दिन पहले हमारे पास और वेंटिलेटर आए हैं, उनको फिक्सिंग का कार्य चल रहा है, उनकी ड्राई रन का कार्य चल रहा है, और उन सभी को चालू कर देंगे और ताकि डेथ रेट को कम किया जा सके, वेंटिलेटर बेड उनको उपलब्ध करवा जा सके, जो मेन डिमांड रहती है। तो और इसके साथ साथ पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया हमने, तो जिसमें अब तक 185 जो कोविड पेशेंट जो डिस्चार्ज हो चुके थे उनसे हमने कांटेक्ट किया है। ये पोस्ट कोविड केयर के सेंटर अपना एजुकेशन बोर्ड में बनाया है और सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड को इसका नोडल अधिकारी लगा है। तो वो 185 जो उनकी क्वेश्चनरी सिविल सर्जन ने दी है, उस क्वेश्चनरी के हिसाब से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के। तो उसके बाद जिसमें ये सिम्टम पाए जाते हैं ब्लैक फंगस के, तो उसको सिविल हॉस्पिटल के कमरा नंबर 21 में, वहाँ पर 3 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, उन पर उनको वहाँ भेजते हैं और उनका यही ट्रीटमेंट हो जाता है। वो भी कोशिश करते हैं, नहीं तो अग्रवा मेडिकल कॉलेज और जो अपना PGI रोहतक में, ऐसे हमने 25 मरीज को रेफर किया है ताकि टाइमली उनकी हमने पहचान की है और ताकि टाइमली उनका इलाज हो जाए, नहीं तो ब्लैक फंगस के कारण भी बाद में मौत हुई है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने ये दोनों तरीके से उसका टॉकिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इस पर हमने काम किया है और टाइमली उसको हम। दैनिक रेल यात्री संघ ने रेल मंत्रालय से कोरोना महामारी के बाद सभी रेलगाड़ियों को चलाने की अपील की है। शुक्रवार को संघ प्रधान महावीर डालमिया ने रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया है कि कोरोना काल में साप्ताहिक संचालित की जाने वाली व बंद पड़ी सभी रेलगाड़ियों की सेवाएं बहाल करने की मांग की। कोरोना महामारी के कारण रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी तथा वहीं कुछ ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया था। इसी के चलते यात्रियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी ने केंद्र सरकार व रेलवे विभाग से मांग की है कि ट्रेनों का संचालन पहले की तरह किया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को होने वाले परेशानी को कम किया जा सके। वहीं दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि कोरोना काल के बाद रेलवे विभाग ने यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए ट्रेनों का संचालन किया था तथा जो पैसेंजर ट्रेन उनके द्वारा चलाई गई थी उनका किराया एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर वसूल किया जा रहा था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गाड़ियों का संचालन किया जाए और किराया पैसेंजर ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से ही लिया जाए ताकि आम यात्री तथा छात्रों को बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेनों में सफर कर सके। 2 पैसेंजर गाड़ियां चल रही है और 3 एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही है। 3 में एक किसान हफ्ते में 2 दिन यात्री जाती है, उसको हफ्ते में रेगुलर किया जाए एवं जो भी स्थितियां ठीक होती है कोरोना काल की, पुनः सभी गाड़ियां पुनः बहाल किया जाए और पैसेंजर गाड़ियों का किराया पैसेंजर ही लिया जाए। जो गंगानगर से गाड़ी चलती थी उसको बंद कर दिया गया, उसको पुनः बहाल किया जाए क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और आज भी भारत की गरीब जनता ट्रेनों का सफ़र करके संतुष्ट होती है। उसका किराया न होने ज़्यादा होने की वजह से और गाड़ियां बंद करनी पड़ी रेल प्रशासन को। तो मैं एक बार फिर मांग करता हूँ कि किसान एक्सप्रेस जो कि दिल्ली अब बठिंडा चलती थी, लंबी दूरी गाड़ियाँ थी, छोटे श्रेणियों की अच्छी सवारी मिलती और वो भी बंद कर दी गई। इन दोनों गाड़ियों को तो तुरंत प्रभाव से पुनः चालू किया जाए। कुछ सुविधाएं जो है कोरोना काल में रेल मंत्रालय ने उपलब्ध कराई थी
जो कि नाकाफी थी, और उसके उपरांत पैसेंजर गाड़ियां चला के किराया बढ़ा दिया गया था एक्सप्रेस का किराया। हम रेल प्रशासन से मांग करते हैं गाड़ियां पुनः संचालित की जाए और किराया जो पैसेंजर गाड़ियां उनका किराया यात्रियों से पैसेंजर का ही लिया जाए, ना कि एक्सप्रेस। एक्सप्रेस किराया होने की वजह से लोग वहन नहीं कर पाते थे एक्सप्रेस का किराया, और इसलिए उसमें सवारियां नहीं होती थी। उसको मुद्देदर रखते हुए रेल प्रशासन ने वो गाड़ियां बंद कर दी है। हम पूर्ण रेल मंत्री से आग्रह करते हैं कि गाड़ियां पूर्ण संचालित की जाए। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के आदेशानुसार प्राधिकरण सचिव एवं CGM हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ADR सेंटर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक विभाग से जुड़े अधिकतर कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के चेयरमैन रमेश चंद्र डिमरी के आदेशानुसार न्यायालय से जुड़े कर्मचारियों को कोरोना से मुक्ति दिलवाने के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य अधिकारी हिमांशु सिंह के निर्देशन में लघु सचिवालय के ADR सेंटर में इस कैंप का आयोजन किया गया, तथा कैंप में न्यायालय से जुड़े लगभग सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना का टीका लगाया ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार के कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर CGM ने भिवानी वासियों से कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस की पालना करने की अपील भी की। माननीय श्री रमेश चंद्र डिमरी जी सेशन जज भिवानी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ ADR सेंटर भिवानी में कोविड का टीकाकरण शिविर लगवाया है, एवं एक शिविर हमने गांव रेवाड़ी खेड़ा में सैंपलिंग का लगवाया है। ये टीकाकरण कैंप में हमारे सभी कोर्ट के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, PLVs एवं अधिवक्तागण आके टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके टीकाकरण का लाभ उठाएँ। और इस महामारी का बचाव सिर्फ टीकाकरण ही है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, वह बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने घर से बाहर। हम से लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी कोरोना के लक्षण आने पर, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द या जो भी गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित लक्षण है, कोई भी आने पर तुरंत जाके अपनी सैंपलिंग कराएं, ताकि समय पर आपका कोरोना का उपचार हो सके और आपकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े। गुजरात प्रांत से लगे महासागर में उठे ताऊते समुद्री तूफान का असर आप सभी ने बीते दिनों राजस्थान व भिवानी में भी देखा। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को अच्छी खासी राहत भी मिली। शुक्रवार सुबह 5 बजे से पुनः तेज हवाओं के साथ बरसात ने भिवानी का मौसम फिर से सुहाना बना दिया, और इस बरसात का फसलों पर असर अच्छा खासा देखा जा सकेगा। गर्मी का मौसम आते ही लोगों में गर्मी का असर पड़ना शुरू हो गया था, किंतु अरब सागर में उठे ताऊते तूफान के चलते जहां एक और कई जगहों पर इसका बुरा असर देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर जिले में सुबह 5 बजे हुई बारिश से मौसम में काफी ठंडक महसूस की गई, तथा लोगों को 39 साल के बाद मई के महीने में पहली बार गर्मी से निजात मिला। वहीं जिले में हुई बारिश के चलते फसलों को भी इसका सीधा फायदा हुआ।